Assalamu alaikum, you're on air. वालेकुम अस्सलाम। जी, फरमाइए। मेरा नाम मोहम्मद जरार हसन है, मैं इंग्लैंड से बोल रहा हूँ। मेरा मेरा हजरत जी मुफ्ती मुनीर अहमद अकून से एक सवाल था। मेरा सवाल था, अगर कोई मर्द या औरत मेरे खिलाफ कोई किसी किस्म का गुनाह करे या कोई किसी किस्म की बुराई करे, तो क्या मुझे उन्हें माफ कर देना चाहिए या फिर उनसे बदला लेना चाहिए? अल्लाह हाफिज। शुक्रिया। बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। अच्छा सवाल किया आपने। आप माशाल्लाह हमारे मुस्तकिल व्यूअर हैं और इंग्लैंड से आप जो वो सवाल करते हैं, अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए। अब बाकी आपने जो सवाल किया कि कोई मर्द या औरत आपके साथ कोई जो है गुनाह करे, मतलब कोई जुल्म ज्यादती कोई आपके साथ की है, तो उस जुल्म ज्यादती को माफ़ कर दें या बदला लेना चाहिए? देखिए, असल तो माफ़ी है और माफ़ी अल्लाह तबारक व ताला को बहुत पसंद है और अल्लाह तबारक व ताला माफ़ करने वाले को पसंद करते हैं और ख़ुद माफ़ी को बहुत पसंद करते हैं। तो अगर ऐसी नौयत का आपका मामला है कि जिसमें माफ़ करने में जो है आपको जो है वो ज़्यादा कामयाबी और राहत है, तो बिल्कुल माफ़ी करना जो है ये मुकदम है, आप उसको माफ़ कर दें। लेकिन अगर कोई इस ऐसी तरह का कोई उनवान है कि जिसमें माफ़ी दे देना जो है वो पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए नुकसानदेह बात है, उम्मत को नुकसान हो सकता है, इस्लाम डैमेज हो सकता है, ऐसी अगर नौयत है, क्योंकि आपने उस मसले की उस गुनाह की नौयत मुतय्यन नहीं की, हो सकता है कोई ऐसा गुनाह या ऐसे कोई तादी उनकी तरफ से हो कि जिसको माफ़ कर देना उम्मत के लिए नुकसान हो या इस्लाम अहले इस्लाम को डैमेज करे, तो वहाँ फिर आपको माफ़ नहीं करना चाहिए। वहाँ इज्तिमाई मुनाफे इज्तिमाई नफ़े को सामने रखना है, इस्लाम अहले इस्लाम के जो है इज्तिमाई नफ़े को सामने रख के फिर आप उसको सजा दें या तंबी करें, जो भी तादीब का तरीका हो वो आप उसको पूरा करें। लेकिन अगर वो इस किस्म का नहीं, इंडिविजुअली एक मामला है, उसमें माफ़ करने में आपको किसी और का नुकसान नहीं था, आपका था, तो कोई बात नहीं, उसको बर्दाश्त करके अगर माफ़ कर देंगे तो अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में आपकी इज्जत मरतबे को बढ़ा देते हैं। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया।